हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक जोशी, आपका अपना एमजे सर। और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि नीट 2022 में फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। इसके अतिरिक्त अगर आप 2019 के पहले के पेपर्स को देखें तो उनमें भी अगर आप जो एनसीईआरटी है उसको पूरा पढ़कर जाते तो भी आप आसानी से 160 मार्क्स के आसपास तो ला सकते थे। लेकिन 2019 के बाद से तो पूरे 180 मार्क्स ही लाना पॉसिबल है, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी की दम पे। और इसलिए हम ये कहने में संकोच नहीं करेंगे कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स में एनसीईआरटी ही सब कुछ है, क्योंकि एनसीईआरटी की इंटेलेक्चुअल्स द्वारा लिखी गई है, वो बहुत ही शानदार बुक है और अफोर्डेबल भी है। जब हमें ये पता ही है कि सारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, फिर भी नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं या फिर क्वेश्चन लीव करके आते हैं जिस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। तो ये समस्या क्यों है? अगर हमें सोर्स पता है, जो कि मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ही कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोग एनसीईआरटी होते हुए भी, उसमें से क्वेश्चन आते हुए भी फिजिक्स में 100% पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका बेसिक रीज़न क्या है? एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप समझिए कि फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी लिख दी गई है। अब जब आप उसे पढ़ते हैं तो जो पहली प्रॉब्लम आपके पास आती है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो मैथमेटिकली समझाए गए हैं, और मैथमेटिकली उनको समझने के बाद आपको विजुलाइज नहीं होता। जैसे आप कोई चीज़ हिंदी में सुनते हैं, अंग्रेजी में सुनते हैं, तो आपको आंख बंद करके दिखाई देने लगता है कि क्या चल रहा है। आप बायो पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते, अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते, हिंदी पढ़ते पढ़ते, लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आपको विजुलाइज हो जाता है कि यहाँ पर ये चल रहा है। लेकिन फिजिक्स में ये मिसिंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो है मैथमेटिक्स। और जब हम उसमें कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कोई इक्वेशन ड्राइव करके लाते हैं, तो उस इक्वेशन से हुआ क्या, वो विजुलाइज करने के लिए, वो देखने के लिए हमको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमें एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है जो हमें लेकर जाए परीक्षा तक। अब देखिए, यहाँ पर जो हैंड होल्डिंग है और गाइडेंस है वो तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, हम आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, एंड तक लेकर जाएंगे, परीक्षा तक आपका साथ देंगे और हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। लेकिन ये आपकी जवाबदारी है, करियर आपका है, आपको देखना है कि आपको गाइड करने वाले जो इंसान हैं वो एकदम एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और जो फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है उसका जो नॉन इंट्यूटिव पार्ट है। इंट्यूटिव पार्ट तो सभी को समझ में आता है, जो नॉन इंट्यूटिव पार्ट है वो परेशानी की जड़ है। और उसका एक ही तोड़ है कि टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एनिमेशन के ज़रिए आपको दिखा दिया जाए। ये सारी अगर फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं तो जैसे ही हम बोलते हैं कि किसी कोर्स में एनिमेशन दिखाया जाए, तो जस्ट एनिमेशन का नाम आते से ही हमें लगता है कि यार ये कोर्स जो है वो बहुत ही महंगा होगा, बहुत ही महंगा होगा, बिकॉज एनिमेशन कॉस्ट बहुत होगी। लेकिन आप लोगों के लिए हमने ये प्रण लिया है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बढ़ाएंगे। और आप में से जो भी बच्चे फिजिक्स में इस समस्या से परेशान हैं कि उन्हें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विजुलाइज नहीं होता, तो उन सारे बच्चों के लिए, स्पेशली ड्रॉपर बच्चों के लिए जो कि किसी कारण से इस साल सिलेक्शन होने से रह गए, उनके लिए हमने निकाला है सक्षम बैच। ये बैच जो लॉन्च किया है ये 15 सितंबर पे चालू होने वाला है। इसमें आपको एक्सपीरियंस की बात करें तो 20 ईयर का एक्सपीरियंस, और ऐसा एक्सपीरियंस के हमारे हाथ के नीचे से अंडर 10 रैंक, 1 रैंक, 3 रैंक, 5 रैंक, 7 रैंक, 8 रैंक, 10 रैंक, अंडर 10 रैंक्स मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस किए हैं। हम आपको जो स्टडी मटेरियल देते हैं वो स्टडी मटेरियल एकदम एट पार लेवल का होता है, न कम न ज़्यादा, और उस स्टडी मटेरियल का 100% जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होता है, वीडियो सॉल्यूशन भी होता है,
ठीक है, और आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के होते हैं, और लगभग वैसा ही जो टेस्ट होते हैं, वैसी एग्ज़ाम जो होती है वो नीट में एज इट इज़ आपको देखने को मिलती है। तो बच्चों ये बैच है जो आपके लिए है, बहुत ज़बरदस्त बैच है। ये सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर अगर एनिमेशन भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, तो ये तो बहुत महंगा होगा। लेकिन हमारा यही तो प्रण है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाएंगे। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको और कहीं भी मिल जाए, लेकिन जिस प्राइस पर हम दे रहे हैं उस प्राइस पर आपको ये नहीं मिलेगी। तो आप सक्षम बैच में एनरोल कर सकते हैं, प्राइस बहुत ही कम है, केवल 5,000 रुपीज़ है पूरे साल का, और बियॉन्ड इक्वेशंस हमारा ऐप है जहां पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब मैं आपको विजुलाइज कराता हूं कि नीट के जो क्वेश्चंस हैं, नीट में फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली NCERT से आए थे। यहाँ हमें दो बातें देखना, एक तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमारा डायरेक्ट डेटा मैच हुआ हो, मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 11 के किस टॉपिक से आया, किस चैप्टर के से आया और उसका सब टॉपिक क्या था, वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये मैंने एक सैम्पल स्लाइड है, इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम बताएंगे क्या, ठीक है ना। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका हमने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है ना, किस चैप्टर का है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। अब हम एक एक करके, ये एक बात हुई, ये तो हुई डायरेक्ट डेटा मैच वाली। यहाँ पर क्या होगा कि जैसा क्वेश्चन यहाँ लिखा है वैसा का वैसा क्वेश्चन NCERT में लिखा है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम, जैसा क्वेश्चन यहाँ लिखा है वैसा की वैसा क्वेश्चन NCERT में लिखा है। ये तो हुआ डायरेक्ट डेटा मैच। दूसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन फ्रॉम वन पेज, मतलब आप एक पेज पर देखेंगे और जो थ्योरी और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उसमें से उन्होंने दो दो क्वेश्चन एक साथ बना दिए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, देखिए है ना, इसको मैंने बहुत एनालिसिस करके और बनाया है, और इसी तरह मैं आपके लिए जो है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का भी पूरा रेफरेंस लेकर आऊँगा। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आसपास से ही आते हैं, तो इसलिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये सारी जो PPT है इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि @MJSir है उस पर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये पहला डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया कि ये जो पर्टिकुलर डायमेंशन लिखी हुई है ये किसकी है। अब आप जब मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने एक ही टेबल के अंदर ये सारी की सारी जो है वो डायमेंशंस लिखी हुई हैं, और वैसी वैसी इन्होंने उठा के यहाँ पे पूछ लिया। फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए आप कि इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में एनर्जी लेवल्स के बारे में पूछा, और यहाँ पर अगर हम पेज नंबर 427 पे चले जाएँ 14th चैप्टर में, किसमें, क्लास 12th में, तो हमें 100% जो है वो थ्योरी मिलेगी जिसमें से ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहा है, हमको फॉर्मूला अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हमसे कि रेजिस्टिविटी या जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसके बारे में पूछा है, किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है। हमें पता है जिसका पॉजिटिव होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, नेगेटिव होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। बिल्कुल 100% सेम टू सेम लाइन जो है वो NCERT में लिखी हुई है, और ये आप 12th क्लास की NCERT में चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 104 पर देख सकते हैं, और वहाँ पर बिल्कुल जो लिखा हुआ है वहीं से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। ओके, बिल्कुल इसी तरह ये सोलेनोइड वाला क्वेश्चन, अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है बिल्कुल 100% सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बस हुआ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ है वो चेंज कर दी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिए होंगे, बस उसके बाद जो करंट फ्लो कर रहा है उधर 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इधर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बाकी बिल्कुल 100% क्वेश्चन सेम टू सेम पिक कर लिया है। हो सकता है अंदर जो है वो जो वैल्यू पुट कर रखी थी वो चेंज कर दी हो। इसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिस पर ये बना हुआ है वो उसका रेफरेंस आपके सामने है। अब अगर ऐसे मैं पूरे बताऊंगा तो वो तो 50 क्वेश्चंस हैं, और मैंने पूरे 50 के 50 तैयार किए हैं यहाँ पे, उनमें से मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहाँ पर वो दोबारा बता देता हूँ, @MJSir, ये एक टेलीग्राम चैनल
का लिंक है जिसका नाम है बियॉन्ड इक्वेशंस। तो अगर आप इस हैंडल से जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है पूरी की पूरी लैंग्वेज एकदम सेम है ना। एक एलिवेटर है, कैरी कर रही है, मैक्सिमम लोड इतना है, सब कुछ पूरा पावर निकालना है बिल्कुल वैसा का वैसा। और देखो यहाँ पर भी 100% डिक्टो सेम लैंग्वेज पूरी की पूरी वही लिखी हुई है और बस वैल्यूज जो है उनको उन्होंने उठा के चेंज कर दिया, एकदम सेम, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो पूरे क्वेश्चंस जो यहाँ पर करवाए गए और वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं NCERT में। तो ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस का रेफरेंस है जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी ही गजब की इन्फॉर्मेशंस हम आपके लिए लाते रहते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको ला के देंगे। इस वादे के साथ जय हिंद, जय भारत।